प्रदेश में बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार व बेरोजगारी के विरोध में युवक कांग्रेस राजधानी देहरादून में प्रदर्शन करेगी। युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष कवि जोशी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में युवक कांग्रेस कार्यकर्ता देहरादून रवाना हो गए हैं। कपकोट के पूर्व विधायक ललित परसवान, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश सेठानी, पूर्व दर्जा राज्य मंत्री राजेंद्र टंगड़िया ने युवाओं की टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष कवि जोशी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार पूरी तरह विफल हो गई है। महंगाई के कारण प्रदेश की जनता त्रस्त है तो बेरोजगारी के चलते युवा वर्ग में हताशा व्याप्त है। युवक कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को सबक सिखाने की अपील की है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। युवक कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हर एक साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आदरणीय कवि जोशी जी, प्रदेश प्रवक्ता यूथ कांग्रेस अंकुर उपाध्याय जी, हमारे यूथ कांग्रेस के विधानसभा के अध्यक्ष भाई मोहन कोरुंगा जी, हमारे कविंदर कोरुंगा जी सहित तमाम जितने हमारे यूथ के जो आज सैकड़ों की संख्या में आज देहरादून जा रहे हैं, यूथ कांग्रेस के आपके तत्वाधान में महंगाई, बेरोजगारी, अन्य कई विषयों पर, ज्वलंत मामलों पर विधानसभा घेराव के लिए कल ये देहरादून पहुँचेंगे। मैं यूथ कांग्रेस के तमाम साथियों को और यूथ कांग्रेस के तमाम सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और निश्चित तौर पर युवा जब तक जागरूक होगा तभी जाके हमारे प्रदेश की, हमारे देश की उन्नति होगी। आज युवा कांग्रेस के साथी इस बहरी, अंधी और निकम्मी सरकार को जगाने जा रही है। महंगाई की लूट पड़ गई है और जो सत्ता में बैठे हैं, एक कबीरदास जी ने कहा था, कबीरा खड़ा मैदान में लूट सके तो लूट, ऐसी भारतीय जनता पार्टी की जो नीति चल रही है, आज जनता को भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं भाजपा की सत्ता है, जितना लूटो लूटो। इसके विरोध में आज हमारे सारे युवा कांग्रेस के साथी आज विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं। मैं युवा कांग्रेस के साथियों का उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आशा करता हूं आपका संघर्ष जरूर उत्तराखंड की जनता के काम आएगा। युवक कांग्रेस का जो राज्य सरकार को घेरने का कार्यक्रम है, उसमें बढ़ती बेरोजगारी, युवाओं को रोजगार और जो भ्रष्टाचार आज पूरे उत्तराखंड में दिखने को मिल रहा है, उसके संबंध में जिला युवक कांग्रेस के अध्यक्ष के नेतृत्व में बागेश्वर से आदरणीय कवि जोशी के नेतृत्व में आदरणीय अंकुर उपाध्याय की, आदरणीय ईश्वर पांडे और हमारे मोहन कोरंगा और कमल राउत के नेतृत्व में पूरी यूथ कांग्रेस की टीम बागेश्वर जनपद से जो है प्रदेश सरकार का घेराव करने के लिए देहरादून यहाँ से पहुँच रही है। हम इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं और इनको अपने जिस उद्देश्य से आज ये बागेश्वर से निकल रहे हैं उस उद्देश्य की कामयाबी पर यहाँ पर पहुँचेंगे, ऐसा हम सब लोग विश्वास करते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ युवा कांग्रेस के सभी साथियों को जो लगातार गांव से आकर यहाँ पर अपनी भूमिका भी निर्वहन कर रहे हैं और प्रदेश सरकार पर अपने रोजगार के लिए और ये बढ़ती महंगाई को कम करने के लिए और जो इनके द्वारा भ्रष्टाचार पूरे जनपद के साथ साथ पूरे प्रदेश में किया जा रहा है उसको रोकने के लिए इस प्रकार से युवा कांग्रेस लगातार दबाव बनाने की स्थिति में आज है। आज यूथ कांग्रेस बागेश्वर विधानसभा घेराव के लिए आज देहरादून को कूच कर रही है और जैसे कि पूरे आज राज्य में बढ़ती बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और बढ़ती महंगाई के विरोध में आज युवा कांग्रेस का ये प्रदर्शन है। आज हम पूरी जो राज्य सरकार है उसको घेरने का काम करेगी यूथ कांग्रेस और जो लोग पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त है पूरी राज्य सरकार उसके विरोध कहीं ना कहीं आज युवा कांग्रेस का एक महा आंदोलन जो है आज विधानसभा घेराव का जो कल होना है उसके लिए युवा कांग्रेस की पूरे बागेश्वर की टीम आज बागेश्वर से प्रस्थान करी है। यहाँ पर दर्जनों कार्यकर्ता यूथ कांग्रेस के उस रैली में प्रतिभाग करेंगे और यहाँ की राज्य सरकार को जगाने का काम करेंगे। सीसीएन न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।